अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज पूरी घर की साफ सफाई हो गई। अंदर भी होगी साफ सफाई। चलो चूल्हे के पास जाएंगे, चूल्हे की भी साफ सफाई करेंगे। इधर भी बेड कवर में बदल दी मैं। अब रहा है थोड़े बर्तन धोने का, पूरा चूल्हा साफ कर दूंगी जल्दी जल्दी से। चूल्हे की साफ सफाई हो रही है, अच्छा लगा के साफ धो लूंगी मैं इसको। थोड़ा रमजान है ना, कुछ तेल के चीजा हुए धो तलते करते रहते अपन। चलो हम पूरा साफ सफाई करके हम पूरा अच्छा लगा के टाइल्स पे अच्छे तरीके से, ये है बेसन में, ये चूल्हे के बर्तन पूरी अच्छे तरीके से साफ धो लूंगी। बर्तन तो धो गए, अब चूल्हा अच्छा तरीके से अच्छा घस के साफ कर लूंगी। देखिए पूरी साफ सफाई हो गई, अच्छे तरीके से साफ सफाई कर ली मैं चूल्हे की भी। चलो अब जल्दी जल्दी से पकाना शुरू कर देने का है। अच्छे चावल है, अच्छे तरीके से चावल धो के रख लूंगी मैं। माशाल्लाह सब साफ सफाई हो गई। देखिए आज बेसन के दही बड़े बनाने जा रही हूँ मैं। आधा चम्मच नमक, ये हरी मिर्ची मैं अच्छी तरीके से पीस के रख ली थी, अदरक और हरी मिर्ची डाल के। थोड़ा खाने का सोडा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी मैं, मिक्स करके आपको बताऊंगी। थोड़ा मीठा तेल, भजिए अच्छे स्मूथ होते ये ठीक है। चलो अच्छे तरीके से मिक्स कर ली मैं इसको, अब इसको रख डालूंगी मैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से मिक्स होगा आटा। देखे आज कैरी की चटनी पीसेंगे हम। हेलो मासूम, जरा कैमरा पकड़ो, मैं कैरी कैसा काटती से बताती हूँ ठीक है माँ। देखे ये दो कैरियाँ हैं, हम आज दो कैरियों की चटनी पीसेंगे। इस तरह से ये काट लेना है कैरी को, अच्छे तरह से काट लेंगे। काट लेके हम मजेदार कैरी की चटनी पीसेंगे मासूम आज। क्या बोल रही, खाते ना आप? अच्छी होती बटे धुपकाले में कैरी की चटनी पीसे तो। माशाल्लाह मैं पूरा कैरी इस तरह से छिलूंगी, थोड़ा दूर से लो ऐसा ऐसा करके, ऐसा पूरा इसका छिलका निकाल लेने का है। गैस आप लोग भी बनाओ कैरी की चटनी। जिस जिस जगह से देख रहे हैं हमको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम ये जगह से हम देख रहे हैं बोल के कमेंट्स करो। देखें ये काट लेना है कैरी की इस तरीके से, नहीं काट लेना है, छिलका निकाली मैं कैरी का। अब ये भी कैरी का छिलका निकाल लूँगी। देखिए कैरी कट कर ली मैं अच्छे तरीके से, अब इसको छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। देखिए छिलका है यहाँ पर, छिलका निकाल ली मैं ये तरीके से। कैरी कट कर लेना, हो सकता चीक भी रहती इसमें, यह देखिए चीक है। देखिए इसमें ये चीक को निकाल लेना ऐसा, ये चीक को निकाल लेना। चीक निकाल देना, इसका भी परत रहता नहीं अंदर, ये इसको अच्छे तरीके से ऐसा निकाल लेना। उसके बाद हम इसको ऐसा पीसेस कर लेंगे। ठीक है, देखें फिर इसको भी मैं चीक निकाल ली, ये अंदर का जो रहता चीक का, इसको इस तरीके से निकाल लेना है। फिर इसको ऐसे तरीके से काट लेंगे हम। ठीक है गाइस, पीस। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? हम आ चुके हैं फिर से मासूमा के किचन में। आज बनाने जा रहे हैं कैरी की चटनी। ये है कैरी, दो कैरियाँ ले ली मैं, और एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी कोथमीर, 8-10 हरी मिर्चियाँ इसको इस तरीके से कट कर ली। हम लोग तेज़ खाते हैं। ये है ज़ीरा 1 चम्मच, लहसुन 1/2 डल्ला, अदरक का 1 टुकड़ा, नमक। अब डालेंगे हम कैरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
तरफ से कैरी डालूंगी मैं ग्राइंडर में। अब डालेंगे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। बहुत टेस्टी होती है, आप लोग भी बना के खाओ कैरी की चटनी। कैरियों के दिनों में धुपका लेके। ये हमारा जीरा, अदरक का टुकड़ा, लहसुन इसमें डाल देंगे। सब एक साथ डाल के पीस लेंगे। ठीक है गाइस, मैं पीस के आपको बताऊंगी। नमक, ग्राइंडर कर लूंगी मैं इसको, घर में निकाल लूंगी मैं। चलो ग्राइंडर में पीस लेंगे हम। माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी अच्छी पीसे गई कैरी की चटनी। इसको हम निकालेंगे, चाहे तो बगार के भी खा सकते हैं, चाहे नहीं बगार के भी खा सकते हैं चटनी को। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही। चलो हम एक कटोरे में निकालेंगे इसको। इसमें निकाल लूँगी पूरे। जीरा बगार के लिए रख ली मैं। ये है लाल मिर्ची, थोड़ी बगार के लिए डालूंगी। अच्छा ब्राउन कलर का हींगा जीरा। जीरा होगा, ये डालूंगी लाल मिर्चियां में थोड़ा। बगार के लिए, चाहे बगारो भी चाहे नहीं बगारो भी, बहुत मज़े की होती है चटनी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख रहे हैं हमारी बन गई कैरी की चटनी। अब बनाने जाना है दही बड़े, ये भिगा के रख दी मैं। चलो चावल भी चढ़ा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी बना के खाओ। ये रख दी मैं यहाँ पर। चलो बनाएंगे हम भजिए दही बड़े के। अच्छा सा गरम होने दीजिए इसको, तेल अच्छा सा गरम होगा। अब मैं डालूंगी ये भजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह, पूरे तल के बताऊंगी मैं। माशाल्लाह तले जा रहे भजिए। ये बेसन के आटे के हैं, माछ के दाल के भी बताई मैं आपको।
देखिए ये दही है, आधा किलो दही है। ये पानी पानी रख लिया मैं, इसमें डालूंगी ये भजिए तले हुए, ये थोड़े खाने के लिए रख लिए हम लोग। इसमें नमक डाल दी मैं, अब ये डालूंगी इसमें भजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से भजिए डाल दूंगी मैं पूरे इसमें। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं थोड़ी ये कुटी हुई हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची मिलाऊंगी, अदरक और हरी मिर्ची कुटी थी मैं, इसमें मिक्स करूंगी थोड़ी सी। उसके बाद डालेंगे हम नमक, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको पूरा मिक्स करके आपको मैं बताऊंगी, ठीक है गैस। चलो अब डालेंगे हम इसमें दही बड़े। कढ़ाई रख ली मैं, ज़ीरा और मिर्चियाँ का बघार दूंगी, ठीक है। तेल गरम हो रहा, होने दो। अब ये हम जो पानी में डाले थे ना, इसको निकालेंगे। अच्छा ऐसा करेंगे, कितने अच्छे नरम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अच्छे से इसको निकाल लेके अच्छा ऐसा करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद डाल के बताऊंगी पूरे। ज़ीरा डालूंगी, उसके बाद डालूंगी मैं थोड़ी हल्दी। तो ये सब हो गए बाद हम इसको बघार लेंगे, सब बघार के करके बताऊंगी मैं आपको। माशाल्लाह हमारे दही बड़े बन गए। अब डालेंगे थोड़ी कोथमीर, थोड़ा पुदीना, माशाल्लाह। आप भी रमजान में दही बड़े बनाकर खाओ, हर घर में बनते हैं हैदराबाद में तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दही बड़े बन गए। मैं लग जा के रखूंगी, माशाल्लाह अच्छे बन गए दही बड़े। सब तलना हुआ होगा। चलो चूल्हा भी साफ कर दी मैं, चावल रख दी, पूरा क्लीन कर दी पूरा, ठीक है गैस। आंटी मम्मा क्या कर रहे हैं, तरबूज काट रही बेटे? तरबूज काटे बन गई ना इफ्तारी? हाँ। सब अब तरबूज काट दिए तो होगा, छोटे छोटे पीस। जर बताओ ये है ना तरबूज, को ऐसा काट लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। इधर बताओ, चलो रोजा खोलो जल्दी, दुआ करो। माशाल्लाह तरबूज इधर लाओ, दुआ कर बेटे।